नहीं, अभी इस खबर का कोई आधार मेरे ख्याल से नहीं है। असल में इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं। ICHR भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक निकाय है, उसने एक प्रोजेक्ट किया था डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स के नाम से। 5 वॉल्यूम में हमने 13,500 के लगभग मार्टर्स को जो 1857 से 1947 के बीच थे उनको प्रकाशित किया था। उसका 5वां वॉल्यूम साउदर्न स्टेट्स को कवर कर रहा था, 5 जो साउदर्न स्टेट्स हैं उसको कवर कर रहा था। उसके कुछ नाम पे हमारे यहाँ काउंसिल के कुछ मेंबर्स ने, जो हिस्टोरियन मेंबर्स होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, जिसको लेके एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ कोई भी इस तरह के रिसर्च वर्क को हम वेटिंग कराते हैं उसकी या इवेल्युएशन कराते हैं, हमने उसकी एक रिव्यू कमेटी तैयार, हमारे उस समय के सक्षम प्राधिकारी ने, चेयरमैन ने, एक रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। वो रिव्यू कमेटी 3 बार उसने मीटिंग की, सारे प्राथमिक स्रोतों को खंगाला, देखा जिनके आधार पर वो नाम उसमें शामिल किए गए थे, और उसके बाद एक सील्ड इन्वेलप में, हमें एक बंद इन्वेलप में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिस रिपोर्ट को हमारे काउंसिल मीटिंग में काउंसिल के समक्ष रखा जाना था, जिसमें 18 नामित इतिहासकार सदस्य होते हैं। 27 मार्च को वो मीटिंग हमारी संपन्न हुई है, जिसमें ये एजेंडा रखा गया, लेकिन उसको, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसको डेफर कर दिया गया। उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। इसमें ये बिल्कुल आधारहीन और तथ्यहीन है कि कोई भी नाम अभी हटाने का या उसको कोई भी नाम जोड़ने का निर्णय हुआ है। जो स्थिति थी वही यथावत है। ये एकदम मुझे मालूम नहीं कि ऐसी खबर कहां से आई और कैसे आई। तो मैंने आपको बताया कि इस पे तो ऑलरेडी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसका निर्णय हमारे पास सीलबंद लिफाफे में है। वो निर्णय क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी निर्णय है उसको आगे जो भी स्थापित हमारी प्रक्रिया है, जैसी स्थितियां हैं उसके हिसाब से, उसके अनुरूप हमारे सक्षम प्राधिकारी उस पर निर्णय लेंगे, हमारी काउंसिल उस पर निर्णय लेगी। काउंसिल का निर्णय हमें मान्य करना हमारी बाध्यता है, वो हम मानेंगे, लेकिन आज की जो दशा है वो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो इसके लिए कोई सा डेडलाइन भी तय होता है, क्योंकि अगस्त 2021 में रिपोर्ट सौंपी गई जानकारी के जी। तो अब मुझे तिथि नहीं अभी याद है, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई डेडलाइन अभी हम लेके उसको नहीं चल रहे हैं। सेंसिटिव इश्यू है, इसको बहुत ठीक तरीके से, जो भी उचित होगा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे, अनबायस्ड, निष्पक्ष तरीके से, मुझे लगता है कि उस निर्णय की ओर हम जाएंगे, और काउंसिल का यह निर्णय होगा, पूरे परिषद का निर्णय होगा। इसमें किसी एक व्यक्ति के की मंशा या एक व्यक्ति की इच्छा इसमें उभर कर या उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं होना है। पूरी एक काउंसिल जो 18 इतिहासकार सदस्य हैं, उनकी समिति में जो निर्णय लिया जाएगा उसको हम, लगता है कि हम मान्य करने की ओर बढ़ेंगे।